अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा के ही सांसद ने उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल हाल ही में भाजपा सांसद वरुण गांधी दो दिवसीय दौरे पर पीलीभीत के सिमरिया गांव पहुंचे। यहां उन्होंने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते हुए कहा, जब निर्धारित समय के बाद अग्निवीरों को नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा तो उन्हें दोबारा रोजगार कैसे मिलेगा? वे छोटे मोटे काम करने पर मजबूर होंगे तो क्या ऐसे में देश और वर्दी का अपमान नहीं होगा? वरुण गांधी ने उनके मानदेय बढ़ाने और बीमा की सुविधा देने पर भी जोर दिया। जनता को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा, अग्निवीर के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को निर्धारित समय के बाद नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। गांव में उनको रोजगार नहीं मिलेगा, वो छोटे छोटे काम करने को मजबूर होंगे। क्या ऐसे में देश और वर्दी का अपमान नहीं होगा? देश के युवाओं का मनोबल नहीं गिरेगा? जो लाखों लोग हटाए जाएंगे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन युवाओं ने हथियार चलाना सीखा, पूरी ट्रेनिंग ली, अब वे गांव में बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या सुखी रह पाएंगे? देश नारों से नहीं बल्कि नीतियों से चलता है। जनसभा को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि वो संविदा के रोजगार के खिलाफ नहीं है, लेकिन महंगाई के आधार पर अग्निवीरों का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए, साथ ही बीमा का लाभ भी दिया जाना चाहिए, साथ ही उनका स्थायीकरण भी किया जाना चाहिए ताकि उनको लगे कि उनकी अहमियत है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ स्वर ऊंचे करने वाले वरुण गांधी ने ऋण व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 13 लाख करोड़ के ऋण माफ किए गए, इनमें से ज्यादातर ऋण उद्योगपतियों के ही हैं। जब आम आदमी लोन लेता है और उसे वापस नहीं कर पाता तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, लेकिन कर्ज माफ नहीं किया जाता, लेकिन बिजनेसमैन के केस में ऐसा नहीं होता।